नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल हादसे में मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता देने की घोषणा की। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने किया दुर्घटना स्थल का दौरा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने जताया शोक। निकाय चुनाव को लेकर मेयर और पार्षद पदों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। प्रत्याशियों के चयन में जुटे भाजपा और कांग्रेस। जीत की रणनीति के लिए बैठकों का दौर जारी। कौशल विकास योजना से बदल रही युवाओं की जिंदगी। कई युवाओं को मिल चुका रोजगार। स्वरोजगार में भी सहायक सिद्ध हो रही योजना। और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जानी जाएंगी गंगोत्री क्षेत्र की 4 अनाम चोटियां। इन चोटियों पर पहली बार पहुंचे पर्वतारोही। अटल अभियान के तहत किया गया चोटियों पर आरोहण। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने अमृतसर रेल हादसे के घटना स्थल का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। उनके साथ रेल बोर्ड के अध्यक्ष अश्वनी लोहानी और अन्य अधिकारी शामिल रहे। उन्होंने कहा कि रेलवे प्रशासन लोगों को सभी तरह की सुविधाएं मुहैया करा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पंजाब के गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक से बात की। रेल मंत्री पीयूष गोयल अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर अमेरिका से वापस भारत लौट रहे हैं। अत्यंत दुखद घटना कल हुई है और मुझे लगता है कि ये हादसा टाला जा सकता था। एक तो रेलवे ट्रैक के करीब इस तरह के आयोजन करना मुझे लगता है कि सोच विचार कर ऐसे आयोजनों पर विचार करना चाहिए। ये रेलवे की चूक नहीं है क्योंकि रेलवे प्रशासन को कोई सूचना नहीं दी गई थी कि इस तरह का आयोजन हो रहा है। और मुझे लगता है कि जहाँ भी इस तरह के आयोजन होते हैं स्थानीय प्रशासन अनुमति देता है। वहाँ के आयुक्त ने भी बयान दिया है कि हमने कोई अनुमति कार्यक्रम करने की नहीं दी थी। प्रदेश में निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आज से मेयर और पार्षद पदों के लिए नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों के चयन में जुटी हुई है। चुनावी माहौल गर्माने के साथ ही प्रमुख राजनीतिक दलों के स्थानीय नेताओं के एक दूसरी पार्टी में शामिल होने का दौर भी शुरू हो गया है। निकाय चुनाव को लेकर भाजपा चुनाव समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट, विजय बहुगुणा, मदन कौशिक और यशपाल आर्य शामिल रहे। उधर कांग्रेस में भी बैठकों का दौर जारी है। दोनों ही दल निकाय चुनाव को गंभीरता से ले रहे हैं। बागेश्वर जिले में प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र से व्यावसायिक प्रशिक्षण का कोर्स करने के बाद युवक युवतियों का अपने पैरों पर खड़ा होने का सपना साकार हो रहा है। ट्रेनिंग के बाद कुछ युवाओं ने शहर के बाहर जाकर रोजगार हासिल किया तो कुछ ने स्थानीय स्तर पर ही स्वरोजगार की राह पकड़ी और अपनी आर्थिकी मजबूत की। पेश है एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत व्यावसायिक प्रशिक्षण का कोर्स करने के बाद दीपा ने स्वरोजगार को अपना लिया। कोर्स के बाद गृहस्थी के कामों के साथ ही दीपा ने घर पर बुटीक खोल लिया। उनको घर पर ही रोजगार मिल रहा है, आमदनी भी ठीक ठाक होने लगी है। ये जो मुहिम है इससे मैं 5-6 हजार रुपए कमा लेती हूँ और आगे को अगर मैं इसी काम को और बढ़ाऊँ तो मैं ज्यादा इनकम भी ले सकती हूँ इससे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इस तरह की योजनाएं चलती रहनी चाहिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। ये हम सब महिलाओं के लिए, हमारी पहाड़ों की जितनी महिलाएं उनके लिए तो बहुत कुछ कारगर है। नीता ने भी दीपा की तरह ही अपनी सिलाई कढ़ाई की दुकान खोल ली है। पहले नीता कुछ भी नहीं करती थी लेकिन अब खुद की सिलाई की दुकान से हर महीने 10-15 हजार कमा लेती है। कहती है कि परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुधर गई है। सिलाई और कढ़ाई का मतलब सिलाई और कढ़ाई मैंने यहाँ से सीखा, उसके तहत मैंने फिर अपनी एक शॉप खोली जिससे कि आज मैं 8-10 हजार तक का इनकम कमा सकती हूँ। और मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद चाहूंगी कि आपके वजह से मतलब हम जैसी काफी अच्छी महिलाओं का आर्थिक स्थितियाँ सुधर रही है। इलेक्ट्रीशियन का काम करने वाले भरत भट्ट भी योजना से खासे खुश हैं।
भरत ने भी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत व्यावसायिक प्रशिक्षण का कोर्स किया। भरत को अब एक ओर जहां बिजली की घरेलू फिटिंग का काम मिलने लगा है, वहीं दुकान से सामान की बिक्री भी होने लगी है। मैं पहले भी मैंने काम सीखा था इलेक्ट्रॉनिक का, लेकिन मुझे उतना ज्ञान नहीं था। यहाँ पे आके मैंने होम अप्लायंस में एडमिशन लिया, तो एडमिशन होने के बाद यहाँ से मुझे अच्छी खासी नॉलेज हो गई। नॉलेज हुई तो फिर मैंने अपना काम स्वयं खोलने की, मैंने कहा अपना काम मैं स्वयं खोलता हूँ, जो बाहर जाने से अच्छा है कि अपना काम स्वयं खोलता हूँ, यहाँ दो पैसा भी बनने का, तो बाहर से अच्छा हुआ, अपना घर है, तो मैंने यहाँ रोजगार खोला। रोजगार खोलने के बाद मैंने जो यहाँ काम सीखा था उसको मुझे बहुत फायदा हुआ, जिससे मैंने रोजगार में आगे बढ़ता रहा। और आज भगवान की दुआ से मैं अपना मतलब महीने में 20 से 25 हजार का आगे कमा लेता हूँ। और इस प्रधानमंत्री कौशल केंद्र के कारण मुझे जो नहीं आता वो भी काम सीखा, और मैं लोगों से विनती करता हूँ कि वो यहाँ आए और काम सीखे, जिसके कारण यहाँ के लोगों को अच्छा खासा रोजगार मिल जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत दिए जाने वाले प्रशिक्षण से जहां युवाओं को रोजगार मिल रहा है, वहीं कई बेरोजगार युवा स्वरोजगार कर अपनी आर्थिकी को मजबूत कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, देहरादून। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गंगोत्री हिमालय क्षेत्र की चार अनाम चोटियां अब देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जानी जाएंगी। इन चार अनाम चोटियों को फतह करने का नेहरू पर्वतारोहण संस्थान यानी निम और पर्यटन विभाग का संयुक्त अटल अभियान सफल रहा। 7 सदस्यीय टीम ने अटल अभियान के तहत चार चोटियों पर तिरंगा फहराया। गंगोत्री ग्लेशियर की दाहिनी ओर रक्तवन घाटी में सैफी और सुदर्शन चोटी के निकट चार अनाम चोटियों के आरोहण के लिए यह टीम निम के प्रधानाचार्य कर्नल अमित बिस्ट के नेतृत्व में 4 अक्टूबर को देहरादून से रवाना हुई थी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस अभियान का फ्लैग ऑफ किया था। 6 अक्टूबर को टीम ने उत्तरकाशी से प्रस्थान किया और गंगोत्री से गोमुख होते हुए रक्तवन घाटी पहुंची। यहां बेस कैंप स्थापित कर आरोहण के लिए 2 टीमें बनाई गईं। टीम के सदस्यों ने 6000 मीटर से लेकर 6500 मीटर तक की ऊंचाई वाली इन चारों चोटियों का सफल आरोहण किया। इस दल में 2 लड़कियां भी शामिल थी। दोनों ही लड़कियां अभियान में शामिल होकर बेहद खुश हैं। उन्होंने वापस लौटने के बाद अपने यादगार पल साझा किए। करेंगे जहाँ तक बात रही है पीक की, तो पीक बहुत स्पेशल थी हम लोगों के लिए, बिकॉज अटल जी मेरे एक फेवरेट पॉलिटिशियन रहे हैं, और उनके नाम पे ऐसे चढ़ना वाज अमेजिंग। हम लोग वहाँ पर चढ़े, हम लोगों ने टोटल 4 पीक हमारी टीम ने करी है, जिसमें से 3 हम दोनों लड़कियों ने करी है। हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं इस बात पर। निम के प्रधानाचार्य कर्नल अमित बिस्ट ने बताया कि इसके लिए सफल आरोहण के दस्तावेज इंडियन माउंटेनियन फाउंडेशन में जमा कराए जाएंगे। साथ ही इस अभियान को पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी के जन्मदिवस 25 दिसंबर से पहले लिम्का बुक में भी दर्ज कराया जाएगा। कि हमारी पूरी टीम अननेम्ड अनस्केल्ड 4 पीकों को क्लाइम करके यहाँ पे सफलतापूर्वक क्लाइम करके आज वापस उत्तरकाशी, कल शाम को उत्तरकाशी पहुंची। ये टोटल एक्सपीडिशन हमारा 15 दिन का था, जो कि 4 अक्टूबर को फ्लैग ऑफ हुआ। और मैं बधाई देना चाहता हूँ पूरी टीम को कि उन्होंने अपनी पूरी मेहनत के साथ इस एक्सपीडिशन को अंजाम दिया और एक ऐसे रक्तवन ग्लेशियर को एक्सप्लोर किया कि जहाँ पर आज तक पहले शायद कोई नहीं गया था। गौरतलब है कि इन चोटियों का कोई नाम नहीं था और न ही इन पर किसी ने फतह की थी, लेकिन अब ये चोटियाँ पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जानी जाएंगी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी का पार्थिव शरीर लखनऊ से हल्द्वानी पहुंच गया है। पंतनगर एयरपोर्ट से उनकी अंतिम यात्रा लाल कुआं होते हुए निकाली गई। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए सर्किट हाउस में रखा जाएगा। इस बीच उनके राजकीय सम्मान के साथ होने वाले अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल रानीबाग के चित्रशिला घाट पर उनका दाह संस्कार किया जाएगा। इससे पहले लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के अलावा भाजपा और कांग्रेस व अन्य दलों के नेताओं और आम लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी। वयोवृद्ध नेता नारायण दत्त तिवारी का 93 साल की उम्र में 18 अक्टूबर को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। उनके निधन पर प्रदेश में 3 दिवसीय राजकीय शोक घोषित किया गया है। उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। अंतिम संस्कार में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ ही कांग्रेस भाजपा समेत प्रदेश के कई नेता शामिल होंगे।
केदारनाथ धाम में बर्फबारी का दौर जारी है। बर्फबारी के कारण केदारनाथ धाम में तापमान में जबरदस्त कमी आई है। उधर भारी ठंड से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक गढ़वाल क्षेत्र के कुछ पर्वतीय हिस्सों में बारिश हो सकती है, जबकि चमोली के जोशीमठ, गोविंद घाट, पांडुकेश्वर, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब में बादल छाए रहेंगे। ऐसे में इन क्षेत्रों में तापमान में काफी गिरावट आने का अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में अगले 5 दिनों तक आसमान साफ रहने की संभावना है, हालांकि कुछ जगहों पर आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। रामनगर में इन दिनों लोक भाषाओं को लेकर एक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा के उत्थान पर चर्चा की जा रही है। सम्मेलन में इस बात पर चिंता जताई गई कि दोनों भाषाओं के बोलने वाले कम होते चले जा रहे हैं। लोक भाषा सम्मेलन में भाषा विज्ञानियों ने कहा कि लोक भाषाओं को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। पद्मश्री डॉक्टर शेखर पाठक ने कहा कि नई पीढ़ी का रुझान अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं की ओर है, जिससे ये भाषाएं प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले इन दोनों भाषाओं को मान्यता दिए जाने की जरूरत है। पूरी दुनिया में अभी 6000 भाषाएं हैं और पूरे हिमालय में तकरीबन 600 भाषाएं हैं। हमारे अपने उत्तराखंड में तकरीबन 20 भाषाएं हैं, जिनमें से 13 भाषाओं के हमारे साथियों ने 13 भाषाओं का अध्ययन करके उनको PLSI का जो सीरीज है, जो 50 वॉल्यूम पूरे भारत की भाषाओं के निकले हैं, उनमें हमारी उत्तराखंड की 13 भाषाएं उसमें सामने आई हैं। उन 13 भाषाओं में से 4 भाषाएं हमारी पिछली सरकार ने घोषित की थी कि जो प्राइमरी और मिडिल के लेवल पर पढ़ाना शुरू होगा, जिसमें कुमाऊनी थी, गढ़वाली थी, जौनसारी थी और रंग भाषा थी। इतिहासकारों का मानना है कि पूरी दुनिया में 6000 भाषाएं हैं। हिमालय राज्यों में करीब 600 भाषाएं हैं, जबकि उत्तराखंड में 20 भाषाएं हैं। फिलहाल 13 भाषाओं का अध्ययन कर उन्हें भारतीय लोक भाषा सर्वेक्षण में सम्मिलित किया गया है। सम्मेलन में इस बात पर भी जोर दिया गया कि सरकार को इन भाषाओं को प्राइमरी और जूनियर स्तर पर पढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, एक साथ एक मंच पर ला करके कि हम संयुक्त रूप से इन दोनों भाषाओं को मान्यता दिलाने के लिए काम करें। इस आह्वान के साथ ये सम्मेलन किया जा रहा है। करीब करीब 15-20 लोग गढ़वाल से आए हैं, 15-20 लोग कुमाऊं से आए हैं और दूर दूर से आए हैं। हम चाहते हैं कि हमारी दो जो मुख्य समस्याएं हैं दोनों ही भाषाओं की या किसी भी क्षेत्रीय भाषा की, वो दो समस्याएँ मुख्य हैं। सबसे पहले समस्या तो ये है कि हमारी बोलियों को लोग अपनी बोलियों को भूलते जा रहे हैं। अगर मन में कुछ करने का जज्बा हो तो कोई काम मुश्किल नहीं होता। कुछ ऐसा ही बीरोखाल ब्लॉक के कंजोली गांव के दो भाई अनिल पटवाल और अनु पटवाल ने दिखाया है। उन्होंने उन लोगों को आईना दिखाने का काम किया है जो नौकरी के लिए गांव छोड़कर शहर की ओर भागते हैं। अनिल पटवाल दिल्ली में नौकरी करते थे। उनके मन में गाँव में रहकर ही कुछ करने का सपना था। दिल्ली में प्राइवेट संस्थान की नौकरी छोड़कर अनिल वापस अपने गाँव लौट आए और नाली बंजर पड़ी भूमि पर आलू, गोभी, टमाटर, लौकी, शिमला मिर्च और दूसरी सब्जियों का उत्पादन शुरू कर दिया। दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। जॉब करने के बाद क्या हुआ कि मैं अभी एक बार दिल्ली से घर की तरफ आ गया। घर की तरफ आया, गांव की दशा देख मैंने तो बहुत बुरा हाल हो रखा है। सारी जमीन बंजर हो गई है। जमीन बंजर होने के कारण सब प्लान कर रहे हैं इधर से, कोई यहाँ रहने के लिए राजी नहीं है। तब मेरे मन में आया कि किसी भी तरह प्लान रोका जाए, उत्तराखंड का प्लान रोका जाए। इसके लिए मैं अपने घर पे ही मैंने कम से कम 100 नाली जमीन है बंजर, उसकी खुदाई की। पूरे बच्चे हैं मेरे साथ में, मिसिज है, मेरे भाई हैं, घर वालों का पूरा सपोर्ट है मेरे को खेती में। अनु पटवाल का कहना है कि सब्जियों के उत्पादन के साथ ही 400 से अधिक कीवी के पौधे भी लगाए गए हैं जो फल दे रहे हैं। अनूप और अनिल ने तय किया कि फिलहाल एक भाई दिल्ली में खर्चे के लिए नौकरी करता रहेगा, जबकि दूसरा भाई एक गांव में खेती की देखभाल करेगा। अनूप की माने तो वो भी जल्द दिल्ली से नौकरी छोड़कर वापस गाँव लौट आएंगे। पॉन्ड बना रखा है, पॉन्ड से ही काम चला रहे हैं। यहाँ भी पानी की थोड़ी समस्या है, पानी पीने के लिए भी कई बार मुश्किल हो जाती है हमको, लेकिन धीरे धीरे शायद उसको वो सब हम उसको नहीं लेते कि ये पानी की समस्या, उस समस्या को हम समस्या नहीं समझते हैं फिलहाल, कि पानी की समस्या है। ठीक है, जैसे भी करेंगे आप आगे बढ़ेंगे। और ऊपर वाले ने हमें हमारे मदद की है, हमें एक हमारे साहस को
और आगे बढ़ाया है कि हाँ हमारी जो हमने पौध लगाई थी, मेरी लगभग डिमांड थी 650 पौध की जो मैंने डिमांड दी थी, और जो मेरे को पौध मिली थी वो 500 के आसपास पौध मिली थी, और वो पौध 99% सक्सेस है मेरी पौध सारी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से गुजरात सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर उन्हें आगामी 31 अक्टूबर को होने वाले स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लोकार्पण कार्यक्रम में सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया। प्रतिनिधिमंडल ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की नवनिर्मित 182 मीटर मूर्ति ऊंची मूर्ति के निर्माण की पूरी जानकारी का प्रेजेंटेशन वीडियो फिल्म के जरिए दिया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को महान देशभक्त, कुशल प्रशासक और महान राजनीतिज्ञ बताते हुए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को अखंड भारत की एक अनोखी पहचान करार दिया। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास हर राज्यों के लिए अतिथि भवन बनाए जाएंगे। गुजरात के नागरिक आपूर्ति मंत्री जयेश भाई रडारिया ने मुख्यमंत्री को गुजराती शॉल भेंट की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से प्रतिनिधिमंडल के सभी सदस्यों को शॉल और केदारनाथ धाम की प्रतिमा भेंट की गई। प्रतिनिधिमंडल में गुजरात के विधायक मुकेश पटेल और रमन भाई पटेल और करसन भाई सोलंकी समेत अन्य लोग शामिल थे। और उत्तराखंड के समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।